वीडियो में थे देखन लाग रहे हो दो मोटर एक ही पाइपलाइन में चलन लाग रही है और जिकिया स्थिति देखन लाग रहे हो आ समर्सिबल है और बा मोनो ब्लॉक है। मोनो ब्लॉक मोटर बा बिना ऊपर रखी पड़ी है, आ समर्सिबल है। नीचे एक मोटर लाग रही है, एक को सीधे पत्तो लाग रहे हैं, यानी कि फिक्स बार लाग रहा है। अभी वर्तमान समय में सोलर चल रही है आ वाइट वाली और इंग पानी आ गया और भी कालती पाइप में जान लाग रहे हैं, वो मैं थाना दिखा दूँ। लेकिन क्या है कि सुबह 4 बजे जब लाइट आ जाएगी, चार के टाइम तक लाइट रहेगी? 9 बजे तक। 9 बजे सोलर चालू होगी तो 4 9 बजे जब अपने पानी की जरूरत होगी तो मोनो ब्लॉक मोटर चलाएगी लाइट पर और इंगो पानी आ गया सीधो भी पाइपलाइन में चालू हो जाएगा। बी टाइम जब पानी चलेगा बी टाइम वो पत्तो लाग रहे थे वो पानी वापस समर्सिबल में कौन जान दे, कंट्रोल कर लेगा। और जब सोलर चल जाएगी लाइट बंद हो जाएगी, सुबह सोलर चल जाएगी 9 बजे बाद में, बी टाइम क्या है कि पानी इन पाइपलाइन में चल लेगा और बी यूँ क्या है कि मोनो ब्लॉक मोटर में पानी आओगा, मोनो ब्लॉक मोटर में आएगा पानी, बट्ठे नीचे फिक्स बाल या पत्तो लाग रहे बीहू पानी रुक जाएगा। और सिस्टम कितना सालों चला रहे थे? 5 सालों। 5 सालों सोलर तो अभी ले आया पहली बार। ठीक है। और लाइट वाला 5 साल से चला। वो एकदम बढ़िया सेट चल रहे है? पूरा बढ़िया। आ सोलर कितना एचपी कनेक्शन है आपने? 10 एचपी का। 10 एचपी पाइपलाइन में कितनी लंबा किलोमीटर चलाओ? 1.5 किलोमीटर। और कितना पानी जावे आगे? नाली वाला खुला पानी तो 4 इंची पूरा ही जाता है। ठीक है। और जो धरती से उठाते हैं वो 3.5 इंच। मतलब आप जमीन में पानी जो सोलर चक्के के वो 3-3.5 इंच पानी आ गया पाइपलाइन। पाइपलाइन कितनी लंबी बताई? पाइपलाइन 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है। हाँ। अब मोनो ब्लॉक मोटर सिर्फ अभी ऐसा ही रखिए जितने गगर नदी में पानी पड़े रहेगा अपने नाले में इतने ही चला गया। हाँ, उसके बाद वो समर्सिबल चलेगा। भी बाद में बस समर्सिबल चलेगा। तो अड़ा अड़ा मोनो ब्लॉक लगाई जैठे जब समर्सिबल लगा देता तो पानी ज्यादा कौन फेंका? पानी समर्सिबल लगाने के लिए वो बनाना पड़ेगा कुआ, अगली बार बनाएंगे। क्यों बजिया मोनो समर्सिबल गिर रखे सोलर बिया सीधी बाह गिर देता तो? हाँ गिर देते तो चल जाती, वो भी चल जाती। हाँ पर मोटर अपने पुरानी पड़ी है ना। हाँ, काम आ गई पड़ी है। हाँ, पहले बाकी मन लगे पानी ज्यादा पानी चकती होनी भी। कम करके रखना पड़ता है पानी। लाड़ 3 इंची पाइप लगा के कम करे? हाँ कम करे, नहीं तो ये 4 इंची ये भी इसी की है, अगर ज्यादा उठाना हो तो ये कस लो। फिर मोटर लोड लेती होनी है? नहीं लोड नहीं, पाइपलाइन थोड़ा कम झेलती है पानी। पाइपलाइन कितनी इंची आगे? 7 इंची है। तो 7 इंची में ये 4 इंची पानी नहीं खींचती? नहीं इसका पानी कोई लिमिट नहीं है, 4 इंची तो वो समर्सिबल का पानी है पूरा, वो तो चला ही जाता है। ठीक है। ये पानी के कारण कम चलाते हैं कि अगर इसके अंदर कोई पाइपलाइन को नुकसान हो जाए तो अपने पास कोई इलाज नहीं है। पाइपलाइन कौन सी दबा रखी है आपने? PVC है पाइपलाइन। अच्छा। कितने किलो प्रेशर वाली है? 2.5 kg। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी भाई। सिस्टम जैसे कि आप देख पा रहे हो ये गगर नदी का पानी उठा के अपने खेतों में किसान लगा रहे हैं और ये इनकी खुद की जमीन है। खुद की जमीन अपनी नहीं, ये तो कुआ लगाने के लिए ली है थोड़ी। अच्छा। ये जमीन यहाँ सिर्फ कुआ लगाने के लिए? तो ये डेर बना हुआ ये किसका है? ये तो लोगों की जमीनें हैं अपनी अपनी बस। अच्छा, वो पानी उठाने के लिए मना नहीं करते? मना नहीं। ठीक है। तो ये कितने दिन अब तक यहाँ से अपना सिस्टम चलता रहेगा? ये पानी गगर में बंद होने के बाद 12-13 दिन अपने को काम आ जाता है। 12-13 दिन बाद? हाँ, इसमें सुट्टा लगा दोगे? हाँ, रुकने के बाद। ठीक है। चलते में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई सोलर है उस पर मैं एक अलग सी वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि सोलर है 5-5 HP की ट्रॉली वाली सोलर, ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ना 2 ट्रॉलियाँ बनी हुई है, तो इस पर भी अपने एक अलग सी वीडियो बना लेते हैं।